Hey, what's up, this is Deepesh, and in this video I'm going to show you how you can disable the thermal throttling in any OnePlus device. Well, मैंने इसे टेस्ट किया मेरे OnePlus 7 and 8 डिवाइस के साथ एंड दोनों ही ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप दूसरे किसी OnePlus डिवाइस में आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप आपके रिस्क पे कर सकते हो. मैं गारंटी नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियसली. आप आपके भी किसी OnePlus डिवाइस में अगर टेस्ट करते हो तो जस्ट लेट मी नो कि आपके डिवाइस में भी वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली. अगर कुछ इश्यूज वगैरह देखने पर मिल रहे तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना, बाकी व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगी जिससे. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज शाउट आउट टू डेवलपर हु क्रिएटेड दिस मॉड्यूल. वेल, रिसेंटली ही कॉन्टेक्ट मी टू रिव्यू दिस मॉड्यूल फॉर हिम एंड आई फाउंड दिस मॉड्यूल इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल. दैट्स व्हाई आई एम रिव्यूइंग दिस मॉड्यूल. आई एम गोना पुट हिज टेलीग्राम लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन चेक इट आउट. तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि वॉच दिस वीडियो टिल वेरी एंड, बिकॉज इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट द थर्मल थ्रॉटलिंग. व्हाट इज थर्मल थ्रॉटलिंग? आई एम गोना टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल थ्रॉटलिंग ऑल्सो एंड कुछ सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस भी आपको बताऊंगा. तो सारी चीजें मैं बताऊंगा तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना. सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके डिवाइस का टेम्परेचर बेसिकली रहता है 30-35 डिग्री के आसपास नॉर्मली, बट आप जब गेमिंग करते हो आपके डिवाइस का टेम्परेचर काफ़ी हाई जाता है. उस टाइम पे आपकी डिवाइस का परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होने लगता है, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको FPS ज़्यादा मैटर रखता है, तो उन लोगों के लिए ये थर्मल डिसेबलर होता है जो कि आपके डिवाइस के उस टेम्परेचर लिमिट के बाद जाने के बाद भी आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होगा. तो वेल, बेसिकली थर्मल थ्रॉटलिंग होता क्या है? जब भी आपके डिवाइस में कुछ भी हैवी वर्कलोड होता है लाइक गेमिंग, तो उस टाइम पे आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस एकदम से डिग्रेड होने लगता है. आपके डिवाइस में FPS का ड्रॉप वगैरह देखने को मिलता है गेमिंग में, तो उस टाइम पे लोगों को दिक्कतें आती है, गेमर्स वगैरह को दिक्कतें आती है. तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोग कुछ जो गेमिंग गेमर्स लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनके डिवाइस में FPS ड्रॉप ना हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, थर्मल डिसेबलर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में. वेल, ये थर्मल डिसेबलर वाला मैजिस मॉड्यूल करता क्या है, ये आपके मोबाइल के स्टॉक थर्मल सेटिंग को रिप्लेस कर देता है कस्टम थर्मल सेटिंग्स पे. सपोज आपकी मोबाइल का स्टॉक थर्मल सेटिंग में सेट था कि 57 डिग्री के बाद आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, बट उस सेटिंग्स को अगर आप रिप्लेस कर दोगे, 57 डिग्री सेल्सियस को आप अगर मैक्स कर दोगे किसी भी नंबर से, फिर इनफाइनाइट से, तो आपकी डिवाइस में आप कंटिन्यूसली आपके CPU GPU का यूज़ कर सकते हो, बट उसके बाद भी आपके मोबाइल का टेम्परेचर, आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस लो नहीं होगा, आपके मोबाइल में FPS ड्रॉप नहीं होगा, कंटिन्यूसली आपका डिवाइस वर्क करता रहेगा. उस केस में आपको ज़्यादा FPS देखने को मिलेंगे. ये तो हुआ इसका एडवांटेज, बट डेफिनेटली इसका डिसएडवांटेज भी है. अगर आप किसी भी डिवाइस को, हार्डवेयर को कंटिन्यूसली यूज़ करोगे तो वो हीटअप होगा, एंड हीटअप होने से उसकी लाइफ टाइम कम हो सकती है. आपके मोबाइल में बैटरी रहती है, बैटरी बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है, ब्लास्ट वगैरह हो सकता है अगर आपने उसको आग में रख दिया तो. तो टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ें है, डेफिनेटली ब्लास्ट वगैरह नहीं होगा, बट इसमें अगर आप हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को लेके जाते हो तो डेफिनेटली आपके डिवाइस में कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लाइफ टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है उस चीज़ की, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. वेल, मैजिस मॉड्यूल के इंस्टॉलेशन की बात करें तो आपको सिंपल एक मैजिस मॉड्यूल जाना है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, मैजिस ओपन करके आपको सीधे इस मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है एंड दैट्स इट, मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा. सिंपली उसका रिबूट कर लो, आप फिर से नॉर्मल गेमिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो. आपके मोबाइल में जो लिमिटेशन रहेगी वो लिमिटेशन आपकी डिवाइस से हट जाएगा एंड आपके मोबाइल में अब आपको FPS ड्रॉप या फिर लेग देखने को नहीं मिलेगा. आपको ये चीज़ काफ़ी एडवांटेज वाली भी लग रही होगी एंड कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि काफ़ी खतरनाक है, बट डोंट वरी. अब नॉर्मली आप कोई भी टेम्परेचर नापने वाली एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चला सकते हो, 60-70 के आसपास आप टेम्परेचर देखो, उसका वजह से डिवाइस और भी ज़्यादा हाई जा रहा है, तो आप आपका डिवाइस बंद कर दो नॉर्मली, या आप डिवाइस को रख दो साइड में, यूज़ मत करो उस टाइम पे. तो इस तरह से आप हाई FPS भी पा सकते हो एंड परफॉर्मेंस डिग्रेड भी नहीं होगी. बट गाइस, मेक श्योर अगर आप लंबे टाइम तक गेमिंग करोगे तो डेफिनेटली आपके डिवाइस पर इफेक्ट हो सकता है, आपके डिवाइस की लाइफ टाइम कम हो सकती है. आई एम वार्निंग यू. सो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप आपके रिस्क पे करना. नॉर्मल गेमिंग लाइक पबजी मोबाइल और COD वगैरह, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको थर्मल डिसेबलर की, बट फोर्टनाइट जैसे गेमों में डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ती है थर्मल डिसेबलर की, क्योंकि उन टाइप के गेम में ये आपको FPS ड्रॉप जरूर देखने को मिलता होगा. सो गाइस, दिस इज फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑल ऑफ फ्यूचर वीडियो. दिस इज द पेज आई नॉट मीट टू सी इन नेक्स्ट वीडियो.